विक्रम के बाबू, का ऐसा ना हो सकेला कि हमार बेटा ई घर धन ई सब प्रॉपर्टी के मालिक अकेले बन जाए? हमारो तो यही प्लान बा, जब से भाई साहब उतिया आ गए। जीजा जी, प्लाने बनावत रहब का? अरे पट से धरी भतीजा के गर्दन, अचट से मड़ोर के फेंक दी, चाबी घुमा के। जीजा जी, चाबी घुमा के। अभी ये हुई जट या पट। अरे निकल, चल निकल घर से बाहर। अरे धीरे चल, भी चढ़ गई बा घर में बैठल बैठल। चल भारी, चला निकला, चला। अरे निकला, चला चला। अरे चला निकला, निकला कहाँ थे हम? निकला घर से बाहर। महतार तोहर हौजी के कमाई से खजाना रईखन भर गई बाड़े, जंतु माई बेटा के पालल जाए। अरे उंगरा बिलैलो, सालन हो गई लेकिन सरकार आज ले पेंसिल ना कैलस, चाबी घुमा के दीदी। कैसे करी है ये करमजली के आज तक लसियो ना नसीब भइल? त दीदी आ अपन नसीब काहे खराब कइल जाओ। आज से ये हवेली आ परपर्ती ये हमार भगीना के हो गई। आज से बाकी पटीदारन खातिर अब दरवाजा हमेशा खातिर बंद। ए चल बाहर निकल, निकल चल बाहर निकला। हम ना चाहे ये हमारा घर है, बाहर जा। चला चला बाहर, ये हमारा घर है, यहां से चला। माई माई हम ना चाहे भी हम हमारा घर है। एगो बेटा खातिर माई के आंचल से बड़ आसमान भी ना हो सकेला, तई ईंट पत्थर के मकान का बा। हाँ।
ऐलत मंगन हमार, आँख के तारा बन के सहारा, ऐलत मंगन हमार। तोहर से बायब हर एक सपना, तोहर से बा संसार, कि बेटा काम करिहा, कि दुनिया में नाम तो करिहा। बाबू भले ही तू किक बॉक्सर चैंपियन न बन पाएला, लेकिन हम विशाल के जरूर बनाए तुम्हारा धूरा सपना पूरा जरूर बताए। दुनिया में नाम तू करिहा। Ah.
प्लस वाई स्क्वायर, अरे ये तो हो गई रहे ना, तो कह रहा है टू स्क्वायर प्लस ए बी सी। अरे का हो जलेबी, खाली रसे चुईबू कि तनिक हमरा के चटाइबो करबू। देखा विक्रम, घरे जाए के लेट हो रहा बा, प्लीज हमरा के जाए दो। अरे काहे ना, जरूर जाए दे, अरे जरूर जाए दे, लेकिन एगो काम करे के पड़ी बस। का अब तोहरी नरम नरम और लाल लाल होंठ से बस हमरा ही गाजा से जरल काला काला होंठ पे एगो चुम्मा देवे के पड़ी। जब तक चुम्मा ना देबू सरकार तो परीक्षा पास कैसे करबू। तोहर औरई बहुत ज्यादा हो गई, लगता प्रिंसिपल के कंप्लेंट कर रही के पड़ी। अरे अरे कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट कर दी हमारा खिलाफ। अरे कंप्लेंट कर दी हमारा खिलाफ भाई कॉलेज में। डरा गई नहीं, सचमुच डरा गई नहीं। अब रहल प्रिंसिपल के पास, तऊ हमरा एक आवाज पर कुकुर नियन दुम हिलावत यहाँ आ जाए और तोहरा के फेल भैला के बादो पास कर दी। अगर हम चाहे तो इबा हमार शान और रुतबा, बस एको चुम्मा देवे के पड़ी। शेर के मुंह से शिकार छिड़ा। विक्रम से पंगा लेके अपन मौत बुला ले ले। आज तोरा पता चली कि हमरा शरीर में खून है ना, तेजाबो बहला जो तोरा के जला के यह भस्म कर दी। अच्छा अब तक चेक कर ही के पड़ी। अरे भाई ने काट दिया। करे तुरते जा भी खून तो हमरा के भस्म ना कैलस। अगर हमार खून गर्म हो गेल ना तो तुर जिंदगी तबाह हो जाई। काहे कि जब धरती जरला तो ज्वालामुखी फाटेला, लेकिन जब विशाल सिंह के दिमाग जरला ना तो कहर बरसेला। मारा सा एकरा के। Yeah!
अबे डरने की आदत डाल ले, जिंदा रहेगा, समझा? बेटा विक्रम, अरे ऐसा मुंह छुपा के काहे सुतल बाड़े रे, चलो उठा चाय पीला। अरे का भइल हमार लाल के? अरे भइल का इलाज खइले बा। ए तू चुप रहा बेटा। बाप रे बाप, बिसलवा एके गधा जैसा ना सुअर जैसा मरले बा। सोच दीदिया, अगर ये बात जीजा जी के पता चली तो भूचाल आई चाबी घुमा के। ए बुढ़िया, भगवान का तो पूजा करके आ गईली, अब यमराज के पूजा कर। काहे कि तोर बेटा खातिर हम मौत बन के आइल बानी। हैं, शायद तोहरा जैसन कुकर्मी देवर के अर्थी उठत देखे खातिर ई नसीब में लिखल बा। अच्छा रे बुढ़िया, ते हमारा जीजा जी के अर्थी उठावे के सपना देखा तारे चाबी घुमा के। अरे इनकर अर्थी हम का उठाई, ऐसा नीच कुकर्मी चाचा के अर्थी उठावे खातिर मजबूत कंधा वाला भतीजा तैयार कैले बानी, जवन इनका के अकेले घाटे ले पहुंचा दी। बेटा ना लगातार साढ़ जन्म ले बड़े, बोलो हमू तो देखी उस साण के। मारसन चंदेलाल बिहारी कि तोहरा मेहरारू के घर से निकलला से हमनी निकल गईनी घर से ना, हम अपना मर्जी से निकलनी। काहे कि तहनी के जान लेवा प्लान के बारे में हमरा माई बेटा के मारे के हम सुन ले रहनी। चचा शुकर कर अबे ने मेरे पाप का सपना अधूरा बा, जहिया पूरा हो गई ना तहिया तोरा जिंदगी में भूचाल आ जाई। और रहल बात अपना संपत्ति की, तो जब चाहे जैसे चाहे तोर हलक में हाथ डाल के निकाल ले। तोहरे से बासान जगत में रखी है तू लाज हमार, कि बेटा काम ही करिहा के दुनिया में नाम तू करिहा। सपना के दिल से हाँ करब हम पूरा, हाँ रउआ हर एक
अपना के दिल से हाँ करब हम पूरा, खाके कसम कही ले छोड़ब ना कबो अधूरा, जान भले मर जाई चाहे सपना करब सकार, कि पापा काम ये करब कि दुनिया में नाम हाँ करब, कि पापा काम ये करब कि दुनिया में नाम हाँ करब। नालायक, तोरा चलते, तोरा चलते हमार सारा प्लान पर पानी फिरा गई। बचपन में तू माई बेटा के बाहर ना निकल रहती तो उस ससुरा के तो गर्दन मरोड़ दे रहा। ए जीजा जी, अगर दीदिया कुछ हो जाए तो रुआ के तेल के लगाई चाबी घुमा के सारा जट तो नहीं कपड़ा सर। अब हमारा के दूसर कुछ सोचे के पड़े। विशाल के अपन जिंदगी के हीरो मानने लगे, न जाने ई कब हमरा के अपन हीरोइन बने। आग पहले हमरा दिल में लागल बा तो बुझावे खातिर हमरे के कुछ करे पड़ी। अरे पगली, ई का करत अरु चुम्मा आसन का चवन काम तोहरा के करे के चाहे ऊ काम हमरा के करे के पड़ता। हाँ तो ई सब कह के आगा गेलू ना, ना और भुखा गेनी। अच्छा क्या था ना हर दिया छापो रोजा चला हर दिया छापो राजा।
सुधर जा। बिगड़ ले तो तू ही बाड़ा। हाय गाइस। हाय। हाय। विशाल रुका। बोला। अभी घरे मत जाइ हा। कहे? प्लीज। आज काजल के जन्मदिन बा। लेकिन? लेकिन लेकिन मत कर, माई के गुजरला के बाद पहला बार वो अपन जन्मदिन मना रहल दिया। का हो? अपन जन्मदिन के केक हमरा से ना कटवेबू? का बिसलवा के हमरा से... देखा जाने मन, अब हमहू दिखाए तोहरा के अपन हथियार। आई देखो बानू बरियार। अरे अब जल्दी से केक काटा और अपन हाथे से हमरा के खियावा। ये क्या कर रहे हो? क्या तुमको मैंने यही सिखाया है? छोड़ दो काजल। विशाल भाई चला, जल्दी से चला, विक्रम काजल के छेड़ता। हा? काजल, अगर नारी ममता के मूर्ति है तो चंडिका रूपी काली भी है। नारी सृजन के क्षमता रखे ले तो संहार के शक्ति भी। तू अपन नारी शक्ति जगावा, एक कमीना के सबक सिखावा। इधर है विक्रम, ये बेर तो सिर्फ तोर बाइक रहे, अगला बेर तू भी हो सकेले। चल रे। हाँ हो करे जा। बाबू जागेले तो हमार का होई। तो जान जाइए बिटिया जवान हो गई भैया। बेशरम। काजल बेटी। बेटी दूध पी के सूत जाइए, ढेर रात हो गई। हाँ बाबूजी। उठा। इतना रात के तू यहाँ का है? हाँ? बताओ तनी। नो थैंक्स। अरे हमार। जन्मदिन मनावे आयल बानी दूध पी के। हाँ जन्मदिन त्योहार तो तुरंत। बदमाश।
दिया बागीना। तो करो मामा ना दांजी अपना। अगर वो हमारा के ना मिले तो पूरा दुनिया की आग लगा दे। थोड़ा पूरा साथे साथे और करा दूंगा दे। अरे छोड़। अरे छोड़ कहता है। विक्रम के बाबू। विक्रम के बाबू जल्दी आओ। क्या होता? देखिए अपन बेटा के। ये पागल हो गए बा। का भेल बेटा? बेटा? का भेल? हाँ? बोला बोला? हमसे बोला बेटा? का भेल? इक्का चलो बाबूजी। एकरे चलते हमारे के कॉलेज से निकाल दिल गए। ए बाबूजी हमरा सिर्फ इतने गलती बाकी एकरे के पावल चाहता नहीं हमरा ये चाहिए। बेटा हम बाटी ना शांत बेटा शांत हम बाटी ना शांत ये चाहिए हमरा। सदानंद जी कभी भी शादी ब्याह अपने बराबरी में कही जाना और रवौला एक बानी कि अपन बिटिया का ब्याह हमरे बेटा से कर सके। और जहां तक हमारा औकात का बात बा तो तरुआ अच्छी तरह जाना तनी तयकर मतलब इबिया हम पक्का समझी ना एकदम ना। कॉलेज के नंबर वन लुच्चा लफंगा ये हमारे जीवन साथी बने नेवर। बड़बड़ के घर में गड़बड़। अरे बिटिया का भइल रहल है? हाँ बाबूजी ये खटिया कई बार हमरा साथे कॉलेज में बदतमीजी कैलस और वैसे भी हम विशाल के पसंद करनी और ओकरे से शादी करब। जे नारी के सम्मान करेला अपमान ना। बस अपमान तो तोहार रू दिन होई जब हम तोरा के बिन ब्याह है विधवा बनाई और वो विशालवा के लाज के सोजा तोरा साथे सुहाग रात मनाई। ये हार्ट के मरीज तने अपन टेम्परेचर संभाल के बोला ना तो ये कांप के गिर जाएगा। बाप बेटा के बिया के सपना लेके आई बाड़े तहिया से लाश लेके जाए के पड़ी। विक्रम बिटिया ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक। कुछ ना कर पाई बे कुछ हो ना। अगर मर्द भैला के इतना गुमान बा तो जो जाके हमार रोके वाला मर्द के लाश गिरा दे फिर हम सदानंद सिंह के बेटी तोरा के वचन देता नहीं अपना के निर्वस्त्र तोरा हवाले कर दे। गैल भैंस पानी में चाबी घुमा के जीजा जी चाबी घुमा के लागत है भी सलवा के कुछ न कुछ करे के पड़े। विशाल विशाल भाई सुना लागा था कुछ गड़बड़ बा किकबॉक्सिंग कोच ललित मोदी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में आइल बाड़े चला जल्दी आवा चल जल्दी। सर सर ये तो सरासर गलत है। इंडियन किकबॉक्सिंग एकेडमी की तरफ से हमारे स्टूडेंट को ना कोई जांचने आया ना कोई परखने आया ना हमारे स्टूडेंट को कभी दिल्ली बुलाया गया। फिर सार्क देशों में होने वाले किकबॉक्सिंग एकेडमी में हमारे कॉलेज को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। पिछले साल क्या उखाड़ लिया था तेरे कॉलेज ने इसलिए भाग लेने से वंचित किया गया है। Is that clear? Hey, talk to me. कौन है रे तू मीटिंग के बीच में टांग अड़ाता है चल भाग यहां से। सर यही विशाल सिंह है जो अभी अभी स्टेट लेवल पर किकबॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और हमारे कॉलेज तथा बिहार का नाम रोशन किया है। सर अगर इसको एक बार मौका दिया जाए ना तो ये पूरे देश का नाम रोशन करेगा। क्या रे तू एक कॉलेज का प्रिंसिपल होकर के इंडियन मार्शल कोच दिलीप मोदी को सुझाव दे रहा है? मैं यहाँ तेरा सुझाव सुनने नहीं आया हूँ फैसला सुनाने आया हूँ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। कोच साहब ऐसे कैसे फैसला हो गया ना अब इन बिहारी जिगर दिख लेने के
अब बस सबके सामने लतिया लतिया के मारब कुली फैसला बोला जी का बुझला क्या रे अपने आप को किक बॉक्सर चैंपियन समझता है हाँ चैंपियन समझता है चैंपियन बनने का बड़ा शौक है मुझे हरा कर दिखा लड़ेगा मुझसे दम है तो लड़के दिखा लड़ेगा मुझसे लड़ब करने की आदत डाल ले जिंदा रहेगा विशाल बेटा निराश मत होखा हमेशा अंधेरा भइला के बाद उजाला होला बाबूजी के बॉक्सिंग चैंपियन बने के सपना रहल तू उनकर सपना जरूर पूरा करबा हमके तोहरा ऊपर भरोसा बा बेटा हिम्मत मत हारा भगवान पे भरोसा रखा माई हे दुर्गा माई एगो माई के पुकार सुना अगर हमार बेटा के विश्व विजेता बने के सपना टूट जाई तो जी ना पाई होके बचा ली माई कौनो चमत्कार करी माई हमार बेटा के बचा ली माई बचा ली वेरी वेरी मल्टी टैलेंटेड ऑफ माय कॉलेज जीनियस स्टूडेंट विशाल सिंह थैंक यू सर लेकिन सर किस लिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तुम इंडियन एकेडमी की तरफ से किक बॉक्सिंग के लिए चुन लिए गए हो थैंक यू सर थैंक यू सो मच ये लेटर तो कल ही आ गया था गेम पाकिस्तान में हो रहा है जाओ विशाल ऑल द बेस्ट और जाने की तैयारी करो और हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में गाड़ के आओ जरूर गाड़ के आऊंगा सर कांग्रेचुलेशन सर ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक नमस्ते सोल्जर ए सोल्जर नाराज बड़ी का भाई तेहू तो चाहत रह लेनू पाकिस्तान जाए देख माई का ख्याल रखिए अब ते ही नू बड़े यहां विशाल बेटा पाकिस्तान जाए के नाम सुनिए के मन घबराता पर का करी तहार करियर के सवाल बा ऐसे रोग भी नहीं खी सकत अपन करेज पे
पत्थर रख के तहरा के भेजा तानी। मैं ते चिंता काहे करता रे, बाबूजी का सपना पूरा कर जाती ना। हाँ, हमरा अपने आप से ज्यादा तुरे आशीर्वाद पे भरोसा था। ते चिंता मत कर, हम जीत के घरे आ जाए। हाँ, अरे रो मत मैं। बेटा तू पाकिस्तान में सबाना आंटी के घरे ठहरिया, उ तहरा के अपन माई जैसन प्यार दुलार दी है। बेटवा सोल्जर, सोल्जर के भी समझा दा। सोल्जर हमार भाई ते उदास मत हो, अब देख हमार मेहनत रंग लाए, पाकिस्तान से ट्रॉफी जरूर जीत के ले आए हम। कम आए ले आए ने, आजा। हाई देख देख और ही पाकिस्तान है, हम यहां जाता नहीं, उदास मत हो। हम जाता नहीं भाई। बेटवा जैसे खुशी खुशी जाता रहा वैसे ही जीत के वापस आया। देवी माई तुम्हार रक्षा करी है, चिंता मत करी हा, विजयी भावा बेटा। माई खुश रहो। पगली मायूस काय उतर, दुल्हनिया मतलब हमारे बाबूजी का सपना,
किक बॉक्सिंग जीते के जोना खातिर तो हम पाकिस्तान जाता नहीं। हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। हम तोरा से बहुत प्यार करे नी, हम तोरा बिना जी ना पाए। हम तोहर इंतजार करब, भले तू हमर सौतन लेके आईहा, लेकिन आईहा जरूर। I love you. हम जरूर जीत के आए। लगातानी पाकिस्तानी मौसी। मौसी? हाय रब्बा, क्या हुआ इस अजनबी को जो मेरे हाय बेबी को मौसी बोल रहा है? अरे मैंने इस पाकिस्तानी मिट्टी को मौसी कहा, तेरे इस हाया बेबी को नहीं। अरे हम हिंदुस्तानी अपने देश को भारत माता कहते हैं, तो उससे अलग हुई ये मिट्टी मौसी हुई ना। काश की यही सोच सारे पाकिस्तानियों में होती तो पूरी दुनिया का आतंकवाद ही मिट जाता। पाकिस्तानी अपनी सोच बदले, हम हिंदुस्तानी स्वागत के लिए तैयार हैं। भाईजान जिन्ना मुड़ चलेंगे क्या? जी जनाब, जरूर चलेंगे। ए हिंदुस्तानी हीरो, हमें भी साथ लेकर चलेंगे क्या? शुक्रिया।
सामने जाओ। ओए तक दुनिया तेरी दीवानी थी और आज तो उसकी दीवानी है। ए बेबी, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया है? पता नहीं। तो ठीक है, उस नाचीज को मैं अपना अजीज बना लेती हूँ। ए, जान ले लूंगी। हाय भैया। वाह सबाना आंटी, तुम्हारे हाथ का पाकिस्तानी सेवई खाने में मजा आया, बहुत देखो, अच्छा। बेटे, ये सब गुजरे दिनों के लिए आम बात थी। जब तुम्हारे पिता और मेरे शौहर अपने अपने मुल्क की हिफाजत सरहद पर किया करते थे और दोनों परिवारों का हमेशा आना जाना रहता था, वैसे तुम्हारे पिताजी भी किक बॉक्सिंग में भाग लेने के लिए एक बार पाकिस्तान आए थे, लेकिन खुदा को शायद मंजूर नहीं था। हाँ आंटी, ये बात सच है। बहुत थक गया हूँ आंटी, अब सोने जाऊं? जा बेटे, जाके आराम कर, कल गेम में जाना है ना। जनाब, जैसा कि आपको खबर है कि शार्क समूह देशों की तरफ से होने वाले किक बॉक्सिंग चैंपियन में जीत का आगाज कर अब तक 3 मुल्क सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, चौथे मुल्क का आज आगाज होगा। सेमीफाइनल में जीत का सेहरा हासिल करने वालों में पहला मुल्क पाकिस्तान है, जिसने भूटान को क्वार्टर फाइनल में हराया है। दूसरा मुल्क मालदीप है, जिसने अफगानिस्तान को हराया है। और तीसरा मुल्क श्रीलंका है, जिसने बांग्लादेश को हराया है। और भारत माता की। चौथा हिंदुस्तान और नेपाल में से किसी एक की जीत के आधार पर होगा। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जावेद साहब भी है, आइए हम उनसे पूछते हैं कि इस किक बॉक्सिंग में जीत किसकी होगी। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि अभी हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि सारी टीमें अपने आप में रोचक हैं और सबकी फाइट लाजवाब रही है। हम अभी से कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो इनकी फाइट के बाद ही हम कह सकते हैं। जैसा कि हिंदुस्तानी फाइटर विशाल सिंह, ये भी काफी उम्दा खिलाड़ी हैं। इसी के साथ फाइट स्टार्ट होती हुई नेपाल के विनय छत्री लगातार विशाल को हिट किए जा रहे हैं और विशाल बहुत ही उम्दा खिलाड़ी होते हुए अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं। वाकई विशाल क्या डिफेंस है। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको, आपको क्या लगता है? आपने सही कहा जावेद जी, बिल्कुल उम्दा खेल रहे हैं दोनों, और दोनों का ही देखिए। और जैसा कि देखते जाइए विजय छेत्री, और अभी देखिए एक पंच उनके चेस्ट पे मारा है विजय छेत्री ने, और फिर और ये देखिए विशाल ने एक बहुत ही अच्छा किक। ये इनका मूव है, ये तो नॉकआउट पंच था। नेपाल के विनय छत्री को इन्होंने एक ऐसा नॉकआउट पंच दिया है कि वापस वो उठने के लायक ही नहीं रहे। इसे कहते हैं नॉकआउट पंच। आज के रोचक मुकाबले में भारत के विशाल सिंह नेपाल के विनय छत्री को हराकर आखिरकार सेमीफाइनल में हिंदुस्तान की जगह को मुकम्मल कर ही लिया है। वाकई ये खिलाड़ी जाबाज है। वाह जीजा जी वाह, इनकरा पर तो हमके पहले से ही शक रहे। हमारी जीजा जी अपना भाभी और भतीजा से इतना प्यार कर ले कि बिसलवा के पाकिस्तान में भेज ओकरा पहले राउंड के जितला खुशी में बैठ के जश्न मना उतारे। देख लो भगीना, देख लो चाबी घुमा के छोड़ दे न तो हाथे तोड़ दे। जश्न अगर पाकिस्तान जाए के खुशी में ना जश्न मना रहा बनी
अपने प्लान के कामयाब होके के खुशी में। कैसन प्लान? हाँ, प्लान तू लोग का बुझत पड़ा। क्योंकरा वजह से जौन हमर बेइज्जती भइल, वो बेइज्जती लाल बिहारी भुला जाए हैं। हर गिच न हम अंदर ही अंदर प्लान करत रहे। वो पाकिस्तान गईल नहीं के, बल्कि हमार प्लान से ओकर के पाकिस्तान भेजल गईल बा। का? बो, बो, बो। यहाँ हमने जैसन कुकुर से ओकर माई ना बच पाई, और वहाँ पाकिस्तान में बक्तावर जैसन भेड़िया से विशलवा ना बच पाई। बक्तावर? ये बक्तावर क्या है? मौत के सुनामी। पाकिस्तान में वो आतंकवादी संगठन चलावेला, पाकिस्तान के आला कमान भी ओकरे पैर में जन्नत खोज। जब ओकर मुंह खुल लेला तो खाली गोला बारूद बरसे। और शौक से हिंदुस्तान पर तबाही करेला। बाप के ठिकाना उहे लगौलस, अब बेटा के पारी बा। वालेकुम सलाम। आका, आप ही की दुआ से हम लोग सियासत में फतेह हासिल किए हैं। हाँ आका, आप ही की रहमो करम है, आप ही की दुआ है। आप लोग मेरी दुआ से नहीं, बल्कि मेरे बम, गोली और बारूद की ताकत और हमारे एजेंसी के सहयोग से ये सियासती घोड़े बने हैं। जी आका, आप लोग को मालूम है कि हमारे पड़ोसी मुल्क का एक ठंडा राज्य कश्मीर, जहां हमारे लोगों द्वारा गरम जिहाद चलाया जा रहा है, जी जी जी, 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 जी बस वो चिंगारी बुझने न पाए, इसके लिए घी और घी डालने वाले हमारे जिहादियों के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है। जी आका, इंतजाम हो जाएंगे, बस आप हुकुम फरमाइए कब और कहां लाना है। सुल्तान बता देगा आपको। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान और भूटान के बीच में, इसी के साथ पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सरफराज ने पहला हिट किया और दूसरा हिट, ये सेंटर बहुत अच्छी किक मारी है सरफराज, इसी के साथ उठे हुए ये सेंटर बहुत अच्छा डिफेंस, ये सेंटर दोबारा किक मारी है, दूसरा पंच सरफराज 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 को दोबारा से पंच पड़ा है। भूटानी खिलाड़ी सेंटर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना फाइटर होल्ड सेंटर रेफरी से जाकर के भूल गए। आजकल के यंग खिलाड़ियों में ऐसा जोश देखा जाता है और ये सरफराज का हिट
सेंथु अपने आप को नहीं बचा पाए और वो गिर गए वापस से फाइट स्टार्ट। और ये देखिए सरफराज का राउंड किक, शायद नॉकआउट किक हो सकता है क्योंकि भूटान के सेंथु पूरी तरीके से अचेत हो चुके हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि ये वापस खड़े होंगे क्योंकि ये सरफराज का बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब किक है। आखिर ये फाइट जीती किसने, ये तो रेफरी बताएंगे क्योंकि वो रिंग के अंदर होते हैं। सेंथु उठने में भी असमर्थ है और इसी के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी सरफराज ने यह मैच जीत लिया है। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगा। काका, एक बुरी खबर भी है हमारे लिए। वो हिंदुस्तानी विशाल सिंह प्रतियोगिता क्वालिफाई कर गया। ये हिंदुस्तानी विशाल अब नासूर बनता जा रहा है। कुछ भी करो कल शाम ढलने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। हा? जो हुक्म का अस्सलाम वालेकुम शबाना खाला। वालेकुम सलाम, आपकी तारीफ, क्या काम है जनाब? मैं बख्तावर का खास आदमी हूँ सुल्तान। हमारी एजेंसी का काम ही ऐसा है कि हम दुश्मन की गन सुनकर उसकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। दुश्मन और मेरे घर? हे खाला, अनजान बनने की कोशिश मत कर। दुश्मन को पनाह देती है, मुल्क से गद्दारी करती है। क्या तुझे मालूमात नहीं कि हिंदुस्तान एक हमारा दुश्मन मुल्क है? तू किस हिंदुस्तान की बात कर रहा है? जो तेरे मुल्क पाकिस्तान का बाप है, जिस हिंदुस्तान के अंश से तू और तेरे पाकिस्तान का वंश चल रहा है, अगर ऐसा है तो वो मुल्क हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। खामोश! बता देना, इतना खौफ काफी है? अपनी किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता छोड़ हिंदुस्तान वापस लौट जाए। कह देना वरना ताबूत में भरकर हिंदुस्तान वापस लौटा देंगे। आंटी, क्या हुआ ये सब? आ? कुछ नहीं। कैसे हुआ? वो कौन था बताओ, मेरी कसम है बताओ। आईएसआई प्रमुख बख्तावर का आदमी, वो सुल्तान आया था। जनाब, आप पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन्ना चौक पर जो हमला हुआ था उसके पीछे किसका हाथ है। सारी आवाम इसके बारे में जानना चाहती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए, अमूमन सवाल पूछना जितना आसान होता है, उसका जवाब देना और उसका हल ढूंढना उतना ही मुश्किल है। खैर, मैं बता दूं कि हमारे एजेंसी और एजेंसी से ताल्लुकात रखने वाले लोग निहायत ही वतन परस्त और बेदाग हैं। और तेरी एजेंसी के लोग इंसानी खून से ऐसे रंगे हुए हैं जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। फिर तो तू बेदाग हुआ ना? Am I right? ISI प्रमुख मिस्टर बख्तावर अल जियादी, हम अपनी मां को अपनी जान से बढ़कर सम्मान करते हैं, पर तू बता है मां की कोख से नहीं बाप की पछाड़ से पैदा हुआ है, इसलिए एक मां को अपनी मर्दानगी दिखा के आ रहा है। खेल खेलने आया हो उस पर ध्यान दो वरना हार जाओगे। अबे मेरी सुन, अगर मैं हार गया ना, खुद अपना सिर कलम कर तेरे इस पाकिस्तान की मिट्टी में दफन कर दूंगा। अगर जीत गया ना तो तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ना हिंदुस्तान की जमीन नसीब होगी ना पाकिस्तान की। चैलेंज है मेरा। डरने की आदत डाल ले, जिंदा रहेगा। बच्चा है तू, बख्तावर अल जियादी, जहरीली मधुमक्खी का वो गुच्छा है जिस पर इंसान एक बार हाथ रख दे तो खुद ब खुद तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। तू भी मरेगा, तेरे ही अभ्यास के किले में
तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। हे हीरो हिंदुस्तानी, हाय आई एम हया। लेकिन हम तो आपको जानते ही नहीं। जनाब अली, हम तो आपका पहले भी दीदार कर चुके हैं। लेकिन कहाँ? कराची एयरपोर्ट, जिन्ना मोड़ और बहादुरी से आतंकियों से ढिशुम ढिशुम। लेकिन आप वहाँ नकाब वाली आप थी उस दिन नकाब के ड्रेस में और आज इस बेलगाम वेश में, क्यों? क्योंकि उस दिन बांग्लादेश से पीर बाबा को चादर चढ़ाकर लौट रही एक सामाजिक हया थी और आज एक घरेलू हया हूँ। मैं आपके मुल्क में कुछ सपने लेकर आया हूँ। सुनिए, चुपचाप प्रैक्टिस कीजिए। ये तो हमारा एकदम पीछे ही पड़ गई लिया। ओके। एक कलाई में इतना दम कहां? अब दिखाओ तेरी भोजपुरी पावर। हमने एक गोली मिस की, दूसरी गोली मारनी चाहिए, पर क्या? रिश्तेदार था वो तेरा? आका, रिश्तेदार वो नहीं, उसको प्रैक्टिस करा रही लड़की बीच में आ गई। अरे तो उसको भी मार दे तो। आका, वो हया भाभी थी। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुल्तान, अरे तूने बहुत ही शकिया रे। देख, अगर हया भाभी को कुछ हो जाता ना तो मैं भी मर जाता। तूने बहुत अच्छा किया भाई, तूने बहुत अच्छा किया भाई। और उस पे ये आपका सहम जाना, हाय मार ही डाला, कसम से मार ही डाला। हुस्न के इस मल्लिका के कदमों में इस गुलाम का सलाम। हया जी जो पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना सकता है, वो आज आपका गुलाम बन गया। सच सच है, बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं आपको, और मेरे इस मोहब्बत का पैगाम ये गुलाब आप बोल करे। तुम
कबूल करे। या खुदा। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। या खुदा, या परवरदिगार, तूने मेरी मोहब्बत मेरी हया से कबूल करवा दी। शुक्रिया मेरे परवरदिगार। हया, बहुत जल्द आपके दीदार करूंगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। शैतान, तू क्या मेरा हुक्मरान बनेगा? अब तुम्हें हिंदुस्तानी विशाल सिंह की खुलकर मदद करूंगी। माशाल्लाह, आज हम आपको बताएंगे कि मैच कैसे जीता जाता है। मतलब? मतलब ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको वर्ल्ड चैंपियन बना देंगे। प्रैक्टिस करवाओगे? हाँ। बोलो क्या करवाओगी? पहले तुम करके दिखाओ। प्लीज आप नीचे लेटिए ना, गिरने से मुझे धूल लग जाएगी। अच्छा, मैं? हाँ। चांस मार रहे हैं। चांस? और तुम्हारे साथ? चलिए उठिए, अब मैं बताती हूँ कैसे होता है। चलिए। अच्छा, अब समझे बेवकूफ? देखिए, हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। अच्छा? नहीं, हम सच कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता? अच्छा, है। बाबा मान गए। Thank you.
काका, मिशन फेल हो गया, पर मैं इन मिशनरियों को साथ लाया हूं। भुट्टो चौक पहुंचते ही इन्होंने हिंदुस्तानी विशाल सिंह को निशाना बनाया, पर उसने इन लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या करूं मैं आपका, हाँ? क्या करूं जो मिशन में फेल अपने इस मिशनरियों को साथ लेकर आया है, जो इस हिंदुस्तानी से बुरी तरह पिट कर आया है। क्या आप जाएं, आप जाएं। बाप रे बाप, एक कचकचवा देख के तो मन है हर गेल बा। कुछ नहीं। या अल्लाह, ये कैसा खिलाड़ी है कि कमसीन जवानी देख के भी इसे कुछ नहीं होता। हो तो बहुत कुछ बा, मन तो करत अब ही पटक के कटक के घोट जाए। Thank you.
ख्वाब पूरा दे ओए लवा जोड़ी का मयाग बना दे ओए रब्बा मेरी यह ख्वाब पूरा दे ओए लवा जोड़ी का मयाग बना दे ओए रब्बा सिर्फ इसलिए नहीं अपनाना चाहते ना कि हम एक मुसलमान हैं और आप एक हिंदू हम पाकिस्तान होंगे और आप हिंदुस्तानी नहीं है यार ऐसी बात नहीं है यार मैं वादा करता हूँ तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद ये सब क्या शादी और हमसे हेलो बख्तावर जब तुम्हारे पछवाड़े में दरार पड़ ही गया है तो कोई भी उंगली करेगा तुम एक हिंदुस्तानी लौंडे को नहीं संभाल पा रहे हो मेरा काम था विशलवा को हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचाना और तुम्हारा काम उसको जहन्नुम पहुंचाना लेकिन हो रहा है सारा उल्टा वही तुम्हारा उलट के पलट के बजा रहा है ए लाल बिहारी अपने जबान पे लगाम दे बख्तावर चिल्लाओ मत क्यों छोटी डबली बजा रहा है हा? ये कर देंगे वो कर देंगे चीर देंगे फाड़ देंगे कश्मीर में झंडा गाड़ देंगे अरे तेरे से कुछ नहीं उखड़ेगा कुछ नहीं और देखना तेरे आंख के सामने तेरे पाकिस्तान में विशलवा हिंदुस्तान का झंडा फहरा के आएगा लाल बिहारी बड़ा बेसब्र इंसान है तू बच के तो तब जाएगा ना जब मैं उसे जाने दूंगा अभी बख्तावर के शतरंज में कई मोहरे बाकी है लाल बिहारी धीरज रख हेलो काजल हमसे नाराज बड़ू का काजल नाराज का ना होई जब से गईला भूल के भी एको बेर फोन ना कईला तारा सिवा हमारे हिंदुस्तान में दूसर के बा बुद्धू राम ठीक है कहला घर के तुलसी मन ना भावस दूर रहे तो याद सतावस खैर ये सब छोड़ा और बतावा नीस रात में फोन कईला के कोनो खास बात बा काजल दूगो अनजान दोस्त बन जा और दोनों के तन मन के खुशबू एक दूसरे में समा जा तका करे के चाहे पड़ से ओ खुशबू के अपना लेवे के चाहे हमऊ ते ये चाहता नहीं कि ट्रॉफी जीत के हिंदुस्तान होता पट से बैंड बजवा दे इतना जल्दी का बसर का हम कहीं भागत थोड़े ना बानी अरे पगली ते नहीं के भागत लेकिन हया ते जबा हया ये हया क्या है हया मेरी जान है जान है सब कुछ है वो हया का आई लव हया हेलो तू अपनी मौत को नहीं पहचानता मेरी मौत और तू सपने देख रहा है शायद तुझे पता नहीं दिन के सपने पूरे नहीं होते कैसा इंसान है रे तू वाकई तुझे मौत से डर नहीं लगता डरता तो मैं अपनी मौत से भी नहीं हम तो हर वक्त अपनी मौत का पीछा किया करते हैं पर मौत है कि साली आती ही नहीं बहुत लेकिन तेरे चाहने वाले की तो मौत आ ही सकती है कमीना बात संभाल के ना तांत में इतना लात मार जितना जीवन बर्बाद ना खेले पे हाँ एक बात और डरने की आदत डाल ले जिंदा रहेगा चीख मत कहीं ऐसा ना हो कि
चीखते चीखते तेरी जीत और तेरी जिंदगी का फासला कम हो जाए। तू जहां खड़ा है ना, वहां से तेरे जीत की दूरी 20 मिनट है। उधर शवाना की जिंदगी से मौत की दूरी भी 20 मिनट ही है। अब तेरे हाथ में है, तुझे जीत प्यारी है या शवाना की जिंदगी प्यारी, सोच ले। काउंटिंग खत्म होने से पहले इंडियन किकबॉक्सर विशाल सिंह नहीं आए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 1, 2 लिखने जा रहा है। जैसा कि आप इस वाक्य से वाकिफ हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कोई खेल प्रतिस्पर्धा होती है तो दुनिया के तमाम मुल्क और इसके चाहने वाले इसे एक आक्रामक जंग के नजर से देखते हैं, जो कि आज इस किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच में देखने को मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार से सरफराज किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं और ये 3री बार हैट्रिक करना चाहते हैं। और इसी के साथ फाइट स्टार्ट। और आगे की कमेंट्री जावेद से। थैंक यू जुबैर। और ये पहला हिट सरफराज का, ये विशाल का राउंड किक। सरफराज अपने आप को डिफेंस करते हुए, ये दोबारा से राउंड किक। सरफराज ने राउंड किक किया वापस से। दोनों ही खिलाड़ियों का बहुत अच्छा डिफेंस है। वापस से सरफराज ने राउंड किक किया और पूरी तरीके से बीट हुए। रेफरी ने सरफराज को रोक लिया है। वापस से फाइट शुरू होती हुई। सरफराज पूरी तरीके से तैयार फाइट के लिए। विशाल अपने आप को डिफेंस करते हुए, बहुत अच्छा डिफेंस। और ये राउंड किक दिया है। बहुत अच्छा डिफेंस है विशाल का। ये राउंड किक भी अभी तक सरफराज का कोई भी राउंड किक काम नहीं आ रहा है। और ये विशाल का किक, ये दोबारा से विशाल ने किक मारा और ये वापस से राउंड किक। विशाल अपने आप को सुरक्षित कर लिए है। विशाल का क्या लाजवाब डिफेंस है। और ये वापस से सरफराज ने हिट किया है। विशाल हिट हुए हैं। बहुत अच्छा डिफेंस विशाल का। और ये दोनों में काटे की टक्कर चल रही है इस वक्त। विशाल लगातार सरफराज को हिट करते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। विशाल ने क्या बेहतरीन तरीका अपनाया है। और विशाल को रेफरी रोक देते हुए। इस वक्त फाइट थम गई है। विशाल पूरे जोश में, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सरफराज को मार ही डालेंगे। ऐसा जोश आज के नौजवानों में हमेशा दिखने को मिलता है। और ये फाइट तो किक बॉक्सिंग फाइट है। और ये सरफराज ने तो विशाल को बैक से हिट कर दिया। रेफरी ने फिर दोनों को रोका। सरफराज में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और जोश, ऐसा तो हमेशा देखने को मिलता ही है। रिंग के अंदर दोनों ही प्लेयर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोनों एक दूसरे को मार ही डालना चाहते हैं। आज की फाइट से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जीतेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काटे की टक्कर हो रही है। जुबैद, आपको क्या लगता है इनकी फाइट देखकर? कुछ भी बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों में काटे की टक्कर हो रही है। कुछ भी बताना इस समय इम्पॉसिबल है कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों में एनर्जी बिल्कुल बराबर की तरह है। और इसी के साथ वापस से फाइट शुरू होती है। रेफरी ने फाइट का इशारा किया। अब आगे की कमेंट्री जावेद से। थैंक यू जुबैद। इसी के साथ फाइट स्टार्ट। विशाल वापस से हिट करना शुरू करते हैं सरफराज को। ये बहुत अच्छा हिट दिया है सरफराज को। सरफराज अपने आप को बचाने में एकदम से नामुमकिन है, लेकिन वो बहुत अच्छा हिट, वाकई में लाजवाब है। राउंड किक,
वापस से विशाल राउंड जा रहे हैं। सरफराज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और सरफराज पूरी तरह मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज वापस उठने को लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि बाकी में विशाल का जो हिट पड़ा है उससे तो कोई भी उठ ही नहीं सकता है, और ये विशाल का सबसे फेवरेट इसी के साथ ही साथ रिंग के अंदर रेफरी की काउंटिंग भी जारी है, उसी से पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है, और इसी के साथ ये मैच विशाल ने जीत लिया है। तू पाकिस्तानी आका, देखा तेरा कोई भी चाल ना मुझे रोक सका और ना मेरे विजय अभियान को। क्या मैंने एक एक करके तेरे सारे चक्र भी तोड़ दिए। हार गया तू और तेरा पाकिस्तान, जीत गया मैं और मेरा हिंदुस्तान। वाकई बदखुदार, तुम तो जीत गए, लेकिन अपनी जीत की खुशी में शवाना आंटी की मौत की फिक्र तक न रही तुझे। मैंने तो सुना था कि हिंदुस्तानी आवाम कच्चे धागे से बने किसी रिश्ते के प्रति बड़े सतर्क रहते हैं, तवज्जो देते हैं उसे, लेकिन तुम्हें अपनी जीत, अपने सपने, अपना देश, हिंदुस्तान की मोहब्बत में शवाना आंटी की मौत की भनक तक ना लगी। भनक का डर उसे होता है जिसे मौत का डर हो। तुझे क्या लगता है शवाना आंटी महफूज नहीं है, हा? क्या लगता है तुझे? आज से तेरा पाकिस्तानी आका होके के घमंड टूट जाए, और याद रही विशाल सिंह हिंदुस्तानी से पाला पड़ल रहे, नाम याद रख। अकर, अच्छा लगा तेरी इस अकड़ को देख के। शुक्रिया तेरी इस अकड़ का, जो तूने मुझे और भी जहरीला बना दिया। मजा आएगा आंटी। देखो आंटी, आज मैंने तुम्हारे आशीर्वाद से अपने बाप का सपना पूरा कर दिखा, किकबॉक्सिंग का चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ जीत के आया। ये देखो आंटी, 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 आंटी। तुम्हें शवाना गिलानी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, चलो। नमस्कार, सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी हमारे सूत्रों से ये पता चला है, हिंदुस्तान की तरफ से शार्क किक बॉक्सिंग में जाने वाले विशाल सिंह फाइनल जीत चुके हैं, और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है शार्क किक बॉक्सिंग चैंपियन विशाल सिंह को एक पाकिस्तानी महिला शवाना गिलानी की हत्या के जुर्म में पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या की जानकारी पाकिस्तानी पुलिस ने इंडियन एम्बेसी को पहुंचा दी है। इस खबर से खेल जगत के साथ साथ कैसे फोन स्विच ऑफ हुआ था। हे देवी रक्षा करी हमारे साथ। पाकिस्तान में हो रहे किक बॉक्सिंग चैंपियन के विजेता रहे, कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान अपनी हार का बदला उन्हें इस तरीके के षड्यंत्र में फंसा कर ले रहा हो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। ये खबर झूठा है अम्मा, हम कहा था नहीं ना, ये खबर एकदम झूठा, ये सच नहीं है अम्मा, हमरा विशाल पे रहुआ भरोसा बानू, ये खबर झूठा है अम्मा, हम जाना था नहीं। क्यों मियां लोग, इस हिंदुस्तानी बॉडी का मसाज करते करते तेल निकल गया क्या? तुमने शवाना गिलानी का कत्ल किया है, ये जुर्म तुम्हें कबूलना ही पड़ेगा। माँ जैसी आंटी का खून तुम्हें कभी कर ही नहीं सकता।
जिसने मुझे पनाह दिया, मेरी जीत के लिए दुआ मांगी। ऐसी नमक हरामी हम हिंदुस्तानियों की खून में नहीं, तुम की फितरत है। बलखुरदार, हम जानते हैं कि तुमने ये कत्ल नहीं किया है, लेकिन तू सोच रहा होगा इतनी सी ट्रॉफी की जीत के लिए तुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, इसलिए कि तू एक हिंदुस्तानी है और 1947 से लेकर आज तक का इतिहास है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से न कभी अपनी हार कबूल की थी, ना कबूल की है और ना कबूल करेगी। तो फिर मैं तुझसे अपनी हार कैसे कबूल कर लूं? अपना ये हिंदुस्तानी होने का गुमान छोड़, मेरे इन कदमों में अपना सर रखकर मौत के इस पैगाम पे अंगूठा लगा और अपनी मौत खुद कबूल कर। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। काफिर, तेरी ये हिम्मत? ये ले जा, कर दिया तेरे ऊपर एहसान, कर दे मेरी मौत की तारीख मुकर्रर। तू भी क्या याद रखेगा कि किसी हिंदुस्तानी ने तुझे भीख में दिया भी तो क्या, खुद अपनी ही मौत का फरमान। जा कर दे, लेकिन याद रखना, जंग तो एक बार सूली पर लटकते समय भी होगी। देखते हैं तेरे पाकिस्तानी फंदे की जीत होती है या हिंदुस्तानी गले की। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हिंदुस्तानी किक बॉक्सिंग चैंपियन विशाल सिंह को शबाना गिलानी की हत्या के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म फरमान करती है। हेलो, हम पाकिस्तान से हया बोल रहे हैं, आप सुन रही हैं ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। विशाल की जमानत हो गई, क्या वो ठीक है? हया, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ बोलो, विशाल तो ठीक है ना? पाकिस्तानी सरकार ने विशाल सिंह को
हूं कि उसे एक चांस दूंगा। पता है मेरा शुक्रिया। अगर ऐसा हुआ तो हम भी अपना वादा निभाएंगे। लेकिन हम अपना वादा कभी नहीं निभाते। अरे भौजी, अरे हमरा के जैसे पता लगल हम दौड़त भागत आ गईली हैं भौजी। हमरा के बहुत अफसोस बा। देखो भौजी, तू चिंता मत कर भौजी, कुछ भी हो दुख मुसीबत में अपने ही लोग काम आवेला। ए भौजी, तू रो मत, हम बानी ना। भौजी, ओ दिन तो तुहार बछड़ुआ लाल बिहारी के बड़ा चैलेंज करत रहल कि मुवल बाप का सपना पूरा करब, जब चाहे जैसे चाहे हमार हल्लक में हाथ डाल के अपन हिस्सा ले ली। हो गेल ना सपना पूरा, मिल लगे जायदाद। चाचा का चिता शमशाने पहुंचे, लेकिन चाचा का चिता तो शमशान ना पहुंचे, लेकिन चाचा होकर चिता शमशान जरूर पहुंचेंगे। चिंता मत कर भौजी, चिंता बिल्कुल मत करा। तोहर देवर जिंदा बा, भतीजा के मुखाग्नि हम ही देव। जातानी पाकिस्तान, भतीजा का लाश लिया वे। लाल बिहारी, हमार बेटा के लाश ना, हमार बेटा खुद हिंदुस्तान आई, पाकिस्तानियन के सीना चीर के वापस आई। कहे कि वो अकेला हमार बेटा ना, समूचा भारत माता के बेटा हो, भारत माता के। बेटी, छोड़ दे बेटी के, छोड़ दे। बेटी हमारा, हमार बीच में क्या हुआ ही? ऐसा ना हो सकेला, ऐसा ना हो। हम तो रोजड़ा था नहीं, हम रखे छोड़ दो, छोड़ दो हम रखे, Come on!
हेलो लाल बिहारी भैया और पूरा परिवार जल के मर गए। हुजूर आप हमारे मेहमान हैं, हमें कुछ खातिर तवज्जो का मौका तो दें। लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तेरी मेहमान नवाजी। बहुत हो गया रे, बहुत हो गया। ये पाकिस्तान आना ही मेरे लिए अपशगुन हो गया। लाल बिहारी। क्या लाल बिहारी? हाय बख्तावर, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था विशालवा का लाश देने के, और वहां हिंदुस्तान में इसी के चलते मस्तवा की बेटी ने मेरे पूरे परिवार को जलाकर राख कर दिया, और तुम हो यहाँ की हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। पहले आप सब किए, बैठे आप बैठे और हमारे मेहमान नवाजी को कबूल करें। ले, ये वक्तावर का वादा है आपसे कि आपके दुश्मनों को बद से बदतर सजा दूंगा, खून से खून को ऐसा लड़ाऊंगा जिसे देखकर पूरा कायनात कांप उठेगा। तमाम कैदियों को आगाह किया जाता है कि आज इस जेल में एक खूंखार अपराधी शबाना गिलानी का कातिल आ रहा है। शबाना गिलानी की हत्या हो गई? मुलजिम विशाल, कल तुम्हें कराची जेल भेजा जा रहा है। वहां तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे फौजी पिता का सर कलम करके लाश को दफना देने वाला खतरनाक खुखार अपराधी उसी जेल में बंद है जो जिहादी ग्रुप का है। अरे बावला, ते जैबे विशाल के बचावे, कौन कहेला कि जानवर इंसान से प्यार ना करेला। प्यार तक करेला, लेकिन सब केहू एकर एहसास ना करेला। बेटा तो पहले ही पाकिस्तानी तलवार के धार पर बा, अब दूसर को जा रहा बस शहादत के वार पर। बेटा साजन जा। जाला सोल्जर हो, बदला के लेके आग सीना में, जाला सोल्जर हो। दिल में दुश्मन के जाके मार खंजर हो, दिल में दुश्मन के जाके मार खंजर हो, बदला के लेके आग सीना में, जाला सोल्जर हो, बदला के लेके सीना में, चाला सोल्जर हो, बदला। मौत के डर नाही कौनो सितम, नहीं कौनो सितम, दोस्त दोस्ती के जाता निभावे धर्म। मत के डर नहीं कौनो सितम,
दोस्त दोस्ती के जाता निभावे धर्म। प्यार के दुश्मन के जाके हिला दी जड़, प्यार के दुश्मन के जाके हिला दी जड़, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो, बदला के लेके आग सीना में जाला सोल्जर हो। की पत्नी शबाना का खून क्यों किया? बोल। मैंने शबाना आंटी को नहीं मारा, मार तो तूने मेरे पाप को है। एक लाल बिहारी, चिंगारी हमने लगाई और चल रहे हैं ये दोनों बाप बेटे। से बजानी सीखी? उससे सीखी जो आज तेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है, फौजी रामधारी सिंह। तेरी वजह से बेटा। बाबूजी, रहुआ यहां बाबूजी। ले, ये तेरा शिकार है तो इसका खात्मा कर। बख्तावर, हमारे बेटा इन दोनों के मरने के बाद ही मेरी पत्नी और बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे मेरी हया मिल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हुस्ने शहजादी, जन्नते हूर, मेरे ख्वाबों की मल्लिका, हकीकत में आज हमारे सामने है। बख्तावर, शादी मुबारक हो। निकाह की रस्म अदायगी की जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनेक रुक जाइए काजी साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, तनिक रुकिए। मेरी जान अशी, आप तो जानती हैं कि जब पहली बार आपका दीदार हुआ था उस वक्त आप कॉलेज में नाच रही थी, और आज इस निकाह के अवसर पे इस गुलाम की खातिर आप नहीं नाचेंगे? अरे कुछ बोले हुजूर, आज हमारी ये गुजारिश नहीं मानेंगे आप? मानेंगे आप, जरूर मानेंगे। आइए आज आप नाच कर इस महफिल में चार चांद लगाइए। मेरी जान, माफ करें हमें कि हम अपना वादा नहीं निभा पाए, पर क्या करें हम?
आपके इस हुस्न के ऐसे दीवाने हुए कि हमसे एक नापाक गुनाह हो बैठा। आपका वो हिंदुस्तानी एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया, लेकिन है यार, ये सच है कि हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हाँ ये सच है, तो आइए मेरी जानशी हम निकाह की रस्म अदा करें। काजी साहब हया, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमने तो अपना वादा निभाया नहीं, लेकिन आप अपना वादा कैसे भूल गई? हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि अगर वो हिंदुस्तानी जिंदा रहा तब आप हमसे निकाह करेंगी, लेकिन वो तो जिंदा रहा ही नहीं, वो तो मर चुका है। तो हया, क्या ये सच है कि आप भी हमसे मोहब्बत करने लगी? सच है ये? आपने कैसे सोच लिया कि वो मर चुके हैं? जिंदा है वो। बस बहुत हो गया तेरा उछल कूद। है हिंदुस्तानी, रहम कर अपने इस बूढ़े बाप पे जो
मुद्दतों बाद तुझे जिंदा मिला है। इस हीरो की हीरोगिरी निकाल। या अल्लाह, पता नहीं किस मिट्टी का बना है तू। मरता ही नहीं, बम मारा बच गए। देखता हूं अब इस राइफल की गोली तेरे तकदीर में मौत लिखती है। पाकिस्तान तेरा, ये मंडप तेरा, ये बाराती भी तेरे, दावत भी तेरी, यहां तक की दुल्हनिया भी तेरी, पर दूल्हा तू नहीं, मैं बनूंगा। Thank you.
ले जाए दुल्हनिया पाकिस्तान से। या अल्लाह, ओए हिंदुस्तानी, तो जैसे कितने हिंदुस्तानी बंदर आए और कितने बंदर गए, लेकिन पाकिस्तान का बाल पे टीका नहीं कर पाए। ये हया पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की रहेगी। रुक रुक रुक। अरे बख्तावर, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं यार। हो जाएगा मेरे साथ? या खुदा, अरे तुम हिंदुस्तानी ने तो पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही अपनी मौत मुकर्रर कर ली है। लेकिन तू कैसे भूल रहा है कि हम दोनों के बिजनेस के बीच मेरा बड़ा भाई आ रहा था और उसको मैंने तेरे हवाले कर दिया। बस तो ही सोच, जब तू अपने इस सगे भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? ये तो तुम हिंदुस्तानियों की फितरत में है कि आपस में ही लड़ मर, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लाल बिहारी, लाल बिहारी, छोड़िए हमें विशाल भैया। हमके माफ करना भैया, भैया ना ना लाल बिहारी, ना लाल बिहारी ना। क्या बोला था मैंने तुझे बख्तावर? बोला था ना, अगर मैं हार गया तो खुद अपना ये सिर कलम करके तेरे इस पाकिस्तान की मिट्टी में दफन कर दूंगा। अगर जीत गया ना तो तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ना हिंदुस्तान की जमीन नसीब होगी ना पाकिस्तान की। हाँ भूल गया ना? भाई अकेला बेटा। अरे कहाँ रो दे भाई, आओ देख। विशाल के भाई,
साल के बाबू तोहरा अधूरा सपना पूरा गईल, बेटा जीत के आ गईल। अरे काजल, विशाल लेकिन यह जरूर हमरा की तू छोड़ के न जाओ जाने जा बेबी सावा अरे जाने जा बेबी सावा मनवा मोर कैसे मनवा मोर कैसे उनका जनी हमके